नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कनान में एक सप्ताह के लॉकडाउन का विरोध, ऑक्सीजन ट्रेन तैयार, शिवराज नहीं दे रहे मंजूरी, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कनान में एक सप्ताह के लॉकडाउन का विरोध। नगर के अनेक दुकानदारों ने नगर परिषद कनान पिपरी के मुख्याधिकारी द्वारा दुकानदार संघ कनान कांद्री को कुछ नुमाइंदों की मांग पर सोमवार 26 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कनान कांद्री में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का विरोध किया है तथा इसे वापिस लेने की मांग की है। व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष श्याम पिपलवा, लवजी तिवारी, मधुकर कुंबलकर एवं दिनेश ठोके का कहना है कि यदि व्यापारी संघ को एक सप्ताह के फुल लॉकडाउन को लागू करवाना था तो पहले व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं सचिव को दुकानदार संघ की मीटिंग बुलाकर उनमें सभी सदस्यों की स्वीकृति से पूर्ण लॉकडाउन का प्रस्ताव पास करवाना था। इसके बाद नगर परिषद में उस प्रस्ताव की काफी प्रस्तुत कर निर्णय लेना था, परंतु अध्यक्ष ने अपनी मनमर्जी से यह गलत निर्णय लिया है, जिसे नगर परिषद के मुख्याधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर नगर में एक सप्ताह के पुनः लॉकडाउन की नुमादी पिटवा दी है, जो एक तरफा निर्णय है। दुकानदारों का कहना है कि कनान में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, यह मान्य है, परंतु पूरे एक सप्ताह के कनान कांद्री के बंद रहने से वे कम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वही दूसरे और ऑक्सीजन ट्रेन तैयार, शिवराज नहीं दे रहे मंजूरी। भोपाल रेल मंडल के प्रबंधक उदय बोरवनकर ने रविवार देर रात बताया कि झारखंड के बोकारो से चिकित्सीय ऑक्सीजन लाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल की 32 कंटेनर की ट्रेन तैयार खड़ी है। रेलवे इस बात के लिए हैरान है कि कई बार इस ओर ध्यान दिलाने के बावजूद शिवराज सरकार स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। बोरवनकर ने बताया कि यह रैंक भोपाल से करीब 330 किमी दूर झांसी पहुंच चुका है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने लिखित मंजूरी नहीं दी। उन्होंने बताया कि आदेश मिलने के बाद ट्रेन को बोकारो पहुंचने में करीब 31 घंटे लगेंगे। खाली ट्रेन में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि लदी ट्रेन महज 60 किमी प्रति घंटे की गति से चल पाएंगी। राज्य में पिछले कुछ सप्ताह से तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के नए मामले के मद्देनजर चिकित्सकीय ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा कर ऑक्सीजन ट्रेन मांगी थी। तो वही तीसरे और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी। जिले के सरकारी अस्पताल से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी करने के आरोप में अस्पताल के ही दो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी MR रोमडे ने बताया कि जिला अस्पताल से डी टाइप के 25 सिलेंडर चोरी करने के मामले में जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें ओम प्रकाश बागड़े और गोविंदा पंचेश्वर का समावेश है। दोनों को गिरफ्तार कर रविवार को ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।